बिहार की राजधानी में अपना लोहा मनवा चुके लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। ये ऐसा नुकसान होगा जिसका खामियाजा उनकी अपनी ही पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने खुले मंच से माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी बिहार में उस समय के लिए जब तेजस्वी के पापा मम्मी बिहार की सरकार थे, यानी वो 15 साल जब कभी लालू तो कभी राबड़ी देवी के नाम से बिहार में राजद की सरकार रही थी। तेजस्वी ने भरे मंच से कहा कि ठीक है, प्रदेश में 15 साल हमारी सरकार रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के राज में सामाजिक न्याय नहीं हुआ। उन 15 सालों में हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव किस गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार का जो हाल था उससे तो सभी परिचित हैं। बेहाल कानून व्यवस्था से लेकर फिरौती और गुंडागर्दी तक उसके ज़्यादातर शिकार स्वर्ण थे। अब उन 15 सालों पर माफ़ी मांगकर क्या तेजस्वी स्वर्णों का वोट अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं? तेजस्वी के इस एक सॉरी पर चुनाव में उनके पुराने जमे जमाए यादव वोटर नाराज़ होकर उन्हें दफा भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सालों की मेहनत से जो यादव समाज का वोट बैंक तैयार किया था, तेजस्वी का एक सॉरी उसे 15 मिनट में बर्बाद कर सकता है। यानी कि इस सियासी सॉरी का तेजस्वी को तो नुकसान ही है, लेकिन इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।